अभी आज की तारीख है 17 अगस्त 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। मीठे बच्चे विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। इसका उत्तर है, विनाशी शरीर में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए रोने की कोई बात नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं, मीन्स उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे कहते भी ना, जिन सोया तिन खोया। आज बाबा ने कहा, जो रोते हैं सो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त होता है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भाव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भाव। मम्मा ने कितना प्यार से बताया था कि जब किसी ने पूछा, मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती, तो मम्मा ने क्या कहा था, मैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझती हूँ। तो वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष आत्मा भाव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि ये समय अकाल्य मृत्यु का है। बाबा बताते हैं, क्योंकि ये समय अकाल्य मृत्यु का है। थोड़ा भी समय अगर मूंझ के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मते सो गति क्या होगी, क्योंकि कलयुग के अंदर क्या हालत है, अकाल्य मृत्यु ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये समय अकाल्य मृत्यु का है। थोड़ा भी समय अगर मौज के बजाय मूंज गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मति सो गति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। स्लोगन,
अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अभी हम सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा और उसके बाद सभी भाई बहने बैठे रहेंगे। अगर कोई उठ भी रहा है तो वे डायरेक्शन सुन के जाएंगे, बहुत ज़रूरी डायरेक्शंस हैं। आज की तारीख है 17 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा, सदा विजयी रहने के लिए याद की छत्र छाया में रहो। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वह सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। उन पर किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। ये 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में दिखाते हैं कि सांप ही शया और सांप ही छत्र छाया बन गए, ये है विजय की निशानी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।